क्वेश्चन बोलना आगे। मैम क्लास इंटरवल है 0 to 10 टिल 50। टिल 50? यस मैम टिल 50। फ्रीक्वेंसी मैम 5, 8, x, 16, 6। ठीक है, अभी हमें मीडियन कितना दिया हुआ है आपके? 28 आई थिंक। अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन? एम आई ऑडिबल बच्चों? मैम इट्स 28। 28, सो इट विल लाई हियर राइट। Now see, median is 28. It will lie in this interval. N by 2 क्या होगा? Last term का total 35 plus x by 2. CFA ऊपर वाला, frequency उसके सामने वाली. ठीक है हार्दिक? ये आपके माइनस हो गया 8, इट इज 35 प्लस x माइनस 26 ओवर 2x इनटू 10। समझ आ गया हार्दिक यहां तक? यस मैम। कुछ नहीं करना हार्दिक, क्योंकि जो लास्ट टर्म है फ्रीक्वेंसी का टोटल उस केस में गिवन होगा जब मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दो होंगी, एक के केस में गिवन नहीं होगा। ठीक है, सो इट इज 16x नाइन प्लस एक्स टेन, ये कैंसिल हो गया 5, 8, 8x, 45 प्लस एक्स इट इज 3x ओवर 45, सो एक्स इज 15। देखो हार्दिक, एक्स की वैल्यू आ गई 15। क्लियर है क्वेश्चन? यस मैम। तुमने जो होगा ना कि भाई n by 2 में कैसे कैलकुलेट? यस मैम। n by 2 तो बेटा जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी ना उस केस में n की वैल्यू गिवन होगी, अदरवाइज नहीं गिवन होगी, क्योंकि इसमें तो सिंगल इक्वेशन बननी है ना, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, और जब दो की गिवन होती है सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से होता है। ओके मैम। अगम डाउट बेटा क्वेश्चंस पे? नो मैम। हो गए सारे? यस मैम। नाउ इज नॉट प्रेजेंट करण? यस। चलो फिर मैं आप थोड़ा सा न्यू टॉपिक करवा रही हूँ आगे मीडियन से ही रिलेटेड। बच्चों वी हैव डन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। यस मैम। नेक्स्ट कम्स योर क्वार्टाइल्स। वी हैव सम पार्टिशनल वैल्यूज क्वार्टाइल्स डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स राइट बेटा। पार्टिशनल वैल्यू क्या है तुम्हारा? मीन को हम पोजिशनल और पार्टिशनल दोनों बोलते हैं। अगेन वी हैव सम अदर पार्टिशनल वैल्यू, वन इज क्वार्टाइल डिसाइल एंड परसेंटाइल। ये तुम लोगों ने 10th के टॉपिक में नहीं किया हुआ, तो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। हाउ मेनी क्वार्टर्स वी हैव? क्वार्टर मीन्स बोलो कितने क्वार्टर्स होते हैं? मैम 4 quarters में कहा। Quarters, yes, so quarter means 4,
क्वार्टर मींस इट इज द फोर्थ पार्ट. अब लाइक मीडियन क्वार्टाइल्स भी क्या करते हैं, डेटा को डिवाइड करते हैं. सो व्हाट आर क्वार्टाइल्स? क्वार्टाइल्स क्या होता है बच्चों? इट इज द पोजिशनल वैल्यू which divides the data in four parts. ठीक है, कितने में डिवाइड करता है quartiles? Four parts में. अब quartiles कितने टाइप के होते हैं? We have two type of quartiles. First is Q1, second is Q3. Q1 is lower quartile. Q3 is upper quartile. Right? इसे नोट करो. Quartiles किसी भी डेटा को four parts में डिवाइड करते हैं. And in this economic statistics, we are going to learn about two quartiles, that is lower quartile Q1 and the upper quartile is Q3. Ma'am, lower quartile is Q1 and the upper quartile is Q3. Kar liya note? 1 minute. Board is visible to everyone. Done, bachcho? Yes, ma'am. Okay. बच्चों Q1 और Q3 ध्यान से सुनना क्या होता है. सबसे पहले है Q1. It is the lower quartile. अगम ये क्या है? अगम व्हाट इज एम एयर? अगम हम लोअर क्वार्टाइल. नो 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 बेटा, व्हाट इज एम एयर? यस विनीत, व्हाट इज एम एयर? मैम मीटर. मीटर, ओके. यस रजत. I think middle. Yes, middle value, which is median. Median, I told you, it divides the entire data in two equal parts. This is the part one, part two. Now, what quarter does? It divides the data in four parts. ठीक है, फोर पार्ट्स में डिवाइड करता है. मीडियन को हम लोग मिडल क्वार्टाइल बोलते हैं. इट इज क्यू टू. सो मीडियन इज व्हाट? इट इज क्यू टू मिडल क्वार्टाइल. ये नाम याद रखना, वन मार्क में एमसीक्यू आ सकता है इसके बेस. क्यू वन लोअर, क्यू टू मिडल, विच इज योर मीडियन, क्यू थ्री इज द अपर क्वार्टाइल. क्लियर?
अब देखो बच्चों Q1 का क्या काम होता है, लिसन टू मी केयरफुली। Q1 क्या करता है, डाटा को इस तरह से डिवाइड करता है कि 25% वैल्यू इस Q1 से लोअर होती है और 75% वैल्यू इस Q1 की वैल्यू से ज्यादा होती है। Who has now entered the class? That variable one part comprises the value 25% values and other part comprises values 75% more than that variable। ठीक है बच्चों, आई थिंक डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन। नोट इट डाउन। ये एक पार्टिशनल वैल्यू है जो इस तरह से डाटा को डिवाइड करती है जहां पे एक पार्ट 25% वैल्यूज कम होती है और अदर पार्ट में 75% वैल्यूज इस वेरिएबल से ज्यादा होती है। Ma'am, you are not audible. I'm not saying anything, Rajat, right now. I have given you time to note down the topic. Okay. Now I'm audible, Rajat. Whatever I said. Yes, ma'am. Okay. Rajat, you have written the topic? Yes, ma'am. All right. Everybody, you all are noted it? 1 minute, ma'am. No problem, beta. Do it. तो हमेशा याद रखना, median data को 2 equal parts में divide करते हैं और quartiles 4 parts में divide करते हैं और जो lower quartile होता है that is Q1, वो इस तरह से data को divide करता है कि 25% value उससे कम होती है और 75% value उससे always ज्यादा होती है। डन बच्चों? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे, अभी पहले Q1 लिखा था ना, सेम यहाँ पे विल मेक सम चेंजेस एंड वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ Q3। व्हाट इज Q3 एक्चुअली? इट इज लाइंग हियर। तो अब मुझे बताओ इसके इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कितना पोर्शन हो गया? 75% हो गया। यस मैम। 75% वैल्यूज इससे क्या है? लेस एंड द रिमेनिंग 25% इज मोर, दिस इज अपर क्वार्टाइल। सो यू कैन मेक चेंजेस हियर। इट इज द पार्टिशनल वैल्यू व्हिच डिवाइड्स द डाटा इन सच अ वे दैट वन पार्ट कंप्राइजेस वैल्यूज 75% less than that, another part 25% values more than that variable. Okay, write the definition of Q3 now. समझ आ गया ना? Q3 देखो डाटा वो तुम्हारे सामने है, इसीलिए मैंने लाइन ड्रॉ की है कि तुम्हें डिवीजन आराम से समझ आ जाए। Q3 की पोजीशन देखो, उसने तीन पार्ट्स दिए हैं, मींस 3/4 पोर्शन जो है इट इज लेस देन दैट एंड द 1/4 पोर्शन इज more than that variable।
Done, students? Done. Everybody? Done, bachcho? Done, ma'am. Yes, ma'am. Now let's start numericals based on quartiles. First is your individual series. Like median, we have to calculate quartiles for each series now. Bachcho, for individual series, formula for Q1. It is n plus 1 by quartiles kitne hote hai? 4 na? 4. Theek hai? And Q3 is same formula. N plus 1 by 4. Here it is 3. So we will multiply the whole formula by 3. Right? In both the cases, first step will be arrange the data. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, in this you will not see, ma'am, that n is even or odd. No, no, no. There is no even and odd terms. You have to apply the same formula for even and odd numbers. Right? I'll tell you how. Arrange the data in ascending order first. Okay, bachche? Dono cases mein, whenever you are solving your positional values or the partitional values, so in all the cases, you have to arrange the data first in ascending order. Means ascending and descending both, but here we always used to arrange the data in ascending order first. कर लिया बच्चों फॉर्मूला नोट यस मैम यस मैम नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन Find Q1 and Q3. N is 6. Okay? First of all, we have to arrange the data in ascending order. So it is 20, 30, 50, 70, 100, 110. Q1 is n plus 1 by 4 term. Excuse me. Yes, beta. Ma'am, upar wali line mein 30 nahi hai. Hello, here. Dikh gaya? Yes, ma'am. 6 plus 1 by 4. Just look here. I'll give you time to note it down. First, understand the concept first. So, what's that? 7 plus 6 plus 1, 7. 7 by 4. When you will divide it, you will get it 1.75. Okay, bachcho? Yahan tak clear hai dekho? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The main part is solving this term. 1.75 term. This is the important part. Listen to me very carefully. How can you solve 1.75 term? See, there is one concept to solve these type of questions. First, it is 1. So, you will write first term. Right?
डेसिमल हटा देंगे, प्लस आ जाएगा 0.75. 0.75 यू विल राइट एज 75/100. नाउ ब्रैकेट. अब बच्चों जो ये टर्म होती है ना, इससे एक टर्म ज्यादा, इससे एक टर्म ज्यादा टर्म कौन सी होगी? सेकेंड टर्म. अगेन फर्स्ट टर्म. सी दिस इज द न्यू फॉर्मूला टू कैलकुलेट 1.75 टर्म इन केस ऑफ क्वार्टाइल्स व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सीरीज. अब हमने टर्म्स को इवैल्यूएट करना है. फर्स्ट टर्म इज 20. इट विल बी 3/4. सेकेंड टर्म इज 30 - 20. Q1. See, is it clear now? This is the expansion of 1.75 term. In the same way, look here, if it comes 2.5 term, then how will you expand it? Here it is written 2. So for 2, it is second term plus 0.5. Point it aya, it is 10. Second term hai na, second se ek zyada, third term minus second term. Is it clear how to expand the terms? Ma'am, so answer will come 95 in this case. According to the 2.5 term? Yes, ma'am. Whatever is the answer, I'm just telling you how to expand the terms. It could be different in any question, right? Bachcho, samajh aaya expansion kaise karni hai? There is no even and odd formula in case of quartiles. Even the same formula can be applied for middle term. Like in case of median, you can apply the same formula, the odd one in case of even as well as the odd, with the help of these expansion. Ye expansion tum log median mein bhi apply kar sakte ho. Agar even or odd ka formula yaad nahi rehta, odd wala always yaad rehta, even wala sometimes tum log bhool jate hain. So in that case, odd mein hi apply karna aur usko term ko expand karna, you will get your term. Ab batao kis kis ko samajh nahi aaya expansion, to main dobara bataun. इस क्वेश्चंस में, इन क्वार्टाइल्स के केस में बेटा, आपको कम से कम पॉइंट डेसिमल के बाद इतना सॉल्व करना पड़ेगा कि तुम्हें कंप्लीट आंसर आ जाए. अगम, हार्दिक, विनीत, रजत, इज इट क्लियर? यस मैम. यस मैम. यस मैम. कोई भी डाउट है, छोटी सी भी कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा. आई कैन रिपीट द टॉपिक. Okay, no problem then. But in the same way, we can calculate Q3 here. Acha, now, one important thing. For Q3, we have formula 3n+1/4 term. Ab usually, bachche kya mistake karte hain? वो कहते हैं n+1/4 का फॉर्मूला तो सेम है. Q1 आया ना 27.5, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 27.5, जो Q1 की वैल्यू आई है. अल्टीमेटली यही बनता है ना फॉर्मूला. दिस इज रॉन्ग, डोंट डू दैट, बिकॉज व्हेन यू सॉल्व दिस टर्म यू विल गेट अनदर टर्म, तो उसकी एक्सपेंशन अकॉर्डिंगली होगी. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, Q1 जो आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, Q3 आ गया. ये मत करना प्लीज, अभी तुम्हें पता लग जाएगा आंसर हमेशा अलग आता है. ठीक है, रिमेम्बर दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? यस मैम.
प्लस वन बाय फोर हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, है ना, वो कितना था 1.75 टर्म. सी आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग द एंटायर वैल्यू ऑफ क्यू वन बाय थ्री, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग द टी एच टर्म, दैट यू कैन डू. नहीं तो अगर कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली पहले से सॉल्व भी कर लो कितना आंसर आएगा. जब तुम n प्लस वन बाय फोर को सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.75 टर्म मल्टीप्लाइड नाउ दिस इज द टर्म 5.25 टर्म. अब देखो टर्म चेंज आ गई ना, ये थी 1.75 ये है 5.25 तो इट मींस यहाँ पे अब आपको एक्सपेंशन इसकी करनी पड़ेगी. तो क्या आएगा आंसर, एक्सपेंशन क्या आएगी, अगर एक्सपेंशन बोलना बेटा, अगर इफ यू हैव अंडरस्टैंड इट टेल मी द एक्सपेंशन स्पीक. अगर आई एम वेटिंग. यस मैम. बोलो बेटा 5.25 टर्म की एक्सपेंशन क्या होगी. हरी आप मैम फिफ्थ टर्म. गुड फिफ्थ टर्म प्लस 25/10 100 हाँ मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. नो 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 फिफ्थ से एक ज्यादा कम, फिफ्थ टर्म से एक ज्यादा, सिक्स टर्म माइनस फिफ्थ टर्म. जो बच्चे यहाँ पे टर्म होते हैं उसी से एक ज्यादा लेते हैं. ओके मैम ठीक है. आप वैल्यू पूरा सॉल्व किया. अगर तुम ये मिस्टेक करोगे 27.5 तो देखना आंसर क्या आएगा 71, 22, 72.5. देखो गलत आ रहा है ना आंसर, वो 102.5 है. अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो गलत आएगा आंसर. डोंट डू दैट, सॉल्व द क्वेश्चन राइट. देखो Q3 और Q1 दोनों क्लियर है सबको. यस ओके. नाउ आई एम शोइंग वन वर्कशीट, सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन Q1 एंड Q3 इंडिविजुअल सीरीज. क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 आपने दोनों केसेस में, दोनों क्वेश्चंस में Q1 एंड Q3 दोनों निकालने हैं, ठीक है. Q1 एंड Q3 बोथ इन क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 टेक द स्क्रीनशॉट. हाँ बेटा Q1 और Q3 दोनों निकालने हैं. ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट. यस मैम. विनीत तुमने ले ली बेटा पिक. यस मैम. ओके सॉल्व देम. नाउ वी हैव करण, नो अमन, अमन एंड नहीं 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 अमन तो ट्वेल्थ का था. ओके करण, सुनीता एंड मैं. करण एंड सुनीता इन्हें कॉन्फ्रेंस बच्चों. We have two books. ये पता है आप लोगों को कौन कौन सी दो बुक्स हैं? No ma'am. बच्चे one is statistics and other is microeconomics. So ये दो बुक्स हम लोगों ने कवर कर दी हैं. ये बुक पहले प्लस टू में थी,
बट ये लास्ट 2 ईयर से प्लस वन में आ गई है और प्लस वन की बुक इंडियन इकोनॉमी प्लस टू में चली गई है. अभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं बच्चों. स्टैटिस्टिक्स में आपके पास थ्योरी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दोनों है, मीन्स न्यूमेरिकल्स हैं. बच्चे इकोनॉमिक्स के अंदर अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, थ्योरी भी आएगी. तो थ्योरी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे और न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे. क्या प्रेजेंटेशन तुम लोगों की सुनीता एंड करण? यस प्लीज. इसका एक चैप्टर हम कर चुके हैं, सेकेंड चैप्टर इज गोइंग ऑन. चैप्टर वी आर डूइंग इट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीडियन एंड मोड. आप लोगों ने 10th क्लास में मैथ्स में किया है ना मीडियन एंड मोड? यस मैम. बस ये वो ही चैप्टर है. ये चैप्टर मैंने पिक इसलिए किया बिकॉज इट इज द इजिएस्ट वन एंड यू हैव ऑलरेडी डन इट. बट इस चैप्टर के अंदर बच्चे जो तुमने मैथ्स में किया है वो बहुत एक अपार्ट, मीन्स इट इज अ स्मॉल पोर्शन ओनली. बट हमें इकोनॉमिक्स में पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, पूरे टॉपिक की फुल फ्लेज नॉलेज होनी चाहिए, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? तो याद रखना वी आर डूइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन एंड मोड. मयंक आई हैव टू डिस्कस डिस्क्रीट सीरीज विद यू, राइट? फॉर्मूला लिखवाया था मैम, चेक करो. यस मैम. व्हाट इज द फॉर्मूला? एन प्लस वन अपॉन टू. मैं डिस्क्रीट सीरीज के केस में फाइंड सीएफ फर्स्ट, ठीक है? अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बता रही थी. लेट अस सपोज मैं आई टोल्ड यू इन मीडिया कि हैव टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट. बच्चे हम लोग फ्रीक्वेंसी को कभी भी अरेंज नहीं करते, हम सिर्फ एक्स को देखते हैं. मैम देखो क्या मेरा एक्स अरेंज है? यस मैम. इज इट अरेंज? नो मैम, नो मैम. हाँ, सो आफ्टर 20 देयर इज 40 देन इट इज 30, राइट? सो माय फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. You even have to check in the question whether the data is arranged in ascending order or not. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, the frequency with 40 is 2. So, ma'am, after arranging them in ascending, the frequency will not change. Right? Jo is the corresponding frequency, I'm writing it that only. 40 okay, corresponding is 2. Maine aapko bola, aapne frequency ki arrange karni hai. Humne sirf x ko arrange karna hai. Right? तो 40 के आगे 2, 30 के आगे 3, 3 है, सो करेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी आई हैव रिटन. नाउ द सेकंड स्टेप इज फाइंड सीएफ. मैम यू नो हाउ टू फाइंड सीएफ? सीएफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. हाउ कैन वी फाइंड इट? मैम बाय एडिंग द करेस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज. यस, सो फर्स्ट विल रिमेन एज इट इज, देन 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, 16 plus 2 it is 18. Right, beta? Ma'am, done. Ho gaya bache? Rajat, done? Yes, ma'am. 1 minute, Rajat. Theek hai, ma'am, kya tha clear hai, beta? Yes, ma'am. Now, ma'am, what is NAR? What is NAR? Total of frequency. Good. Total of frequency. Ma'am, always verify your CA. Whatever is the
last term of CF, same will be the total of the frequency. If they are not coming out to be same, it means you have done mistake somewhere. So it is 18. 18 plus 1 by 2. 19 by 2. It is 9.5 term. Clear, beta? I have evaluated the values here. Now the important step. 9.5 term. बच्चे 9.5 को हमने चेक करना है कि वो CF पे कहाँ लाइक करेगा. देखो 5 और 13 के बीच में आएगा 9.5, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, जो बड़े वाला नंबर होता है उसे कंसिडर करते हैं. तो मतलब 5 और 13, 9.5 किसके क्लोज है, 13 के ना. 13 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है x की 20, this is your median answer, median value. See, ma'am, it is clear? Yes, ma'am. Okay, ma'am, I'm showing you one assignment. Take the screenshot and do the questions. Not this one. Wait, beta. Mayang, take the screenshot and do question number 4, 5, 6. Mayang, taken? Have you taken the screenshot? Okay, you are not able to see my screen. Mayang, do one thing. बच्चे अपना वीडियो ऑन ऑफ करो. हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट बेटा, इज इट विजिबल नाउ? Okay, now do question number 4, 5, 6. Sorry, Karan and Sunita. But actually, we are doing the chapter, so you have to wait. Okay, ma'am. अच्छा चलो अभी discuss करते हैं. Chapter is median and mode. बच्चे यू बोथ हैव डन मीडियन इन मैथ्स. नाउ व्हाट इज मीडियन, क्योंकि अब तुम्हें इकोनॉमिक्स में डेफिनेशंस भी आएंगी कि राइट द डेफिनेशंस, राइट द मेरिट्स, राइट द डीमेरिट्स. तो मीडियन क्या होता है बताओ, करण एंड सुनीता बोथ ऑफ यू जल्दी बताओ मीडियन क्या होता है. यू हैव डन इन 10th, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा. ओके, मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा. व्हाट एल्स करण, और कुछ बच्चे? देखो बच्चों, मीडियन इज व्हाट, सबसे पहले हम इसे पोजिशनल एवरेज बोलते हैं. इट इज द पोजिशनल एवरेज, मिडिल वैल्यू. हाँ, मिडिल वैल्यू तो है ही है बेटा, विच डिवाइड्स द डाटा इन टू इक्वल पार्ट्स. Where one part comprises the values less than that variable and other part comprises the values more than that variable.
लुक हियर बच्चों, देखो ये मान लो पूरा एक डाटा गिवन है, ठीक है। अब मीडियन क्या करते हैं, मीडियन एक पोजिशनल एवरेज, तुम लोगों ने कहा मिडल वैल्यू, सो इट इज प्लेस्ड इन अ मिडल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन, दिस इज मीडियन। मीडियन को हम लोग एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। मीडियन क्या करता है, पूरे डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये दो पार्ट हो गए, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जहां पे एक पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो हमेशा मीडियन से छोटा होता है, और राइट हैंड साइड वाला मीडियन से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। नोट डाउन दिस डेफिनेशन बेटा, मीडियन क्लियर है, व्हाट इज मीडियन? यस मैम, यस मैम, नोट इट डाउन बच्चों। रजत, आई हैव टू गिव यू सम मोर क्वेश्चंस। हार्दे बच्चों, आप लोगों का हो गया क्वार्टाइल्स? यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके ओके, वेट, आई विल शो यू अनदर असाइनमेंट। मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही, आई विल शो यू बेटा, वेट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 ट्राई करना है इसका ना, टेक द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 34। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. Okay. Agam, beta question ho gaya, Vineet and Agam? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ठीक है, कर लिया बच्चो नोट, डन, सुनीत एंड ओके मैम, वेट, ओके, लास्ट पोर्शन ही रह गया होगा, आई होप। इफ समथिंग इज नॉट क्लियर प्लीज टेल मी, आई डिक्टेट इट बेटा। करण? No, ma'am, it is clear. Okay. Done, Karan? करन? Yes, ma'am, done. Okay. Ma'am, questions हो गए? Mayank? Mayank, am I audible? He's in the class? Okay, Mayank. Mayank, I'm not able to read your chat while I'm writing on the board, beta. So if you can speak, please try to speak. Wait, Mayank, I'll tell you a formula for continuous series. Okay. Now, bache, Karan and Sunita, what is series? Series is very important in all the statistical terms. So here, the series means your statistical series. बच्चों स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है, बिकॉज सीरीज तुम्हें सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितनी भी तुम स्टैटिस्टिक्स सॉल्व करोगे अभी तक इकोनॉमिक्स में, उन सब में हेल्प करेगा।
तो सीरीज क्या होता है, जब हम किसी थिंग को, किसी भी चीज को या उसकी चीज के एट्रीब्यूट्स को, उसकी क्वालिटीज को एक लॉजिकल मैनर में अरेंज करते हैं, ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सीरीज. सो इट मे बी डिफाइंड एज द थिंग्स और एट्रीब्यूट ऑफ थिंग्स arranged in some logical order. ठीक है, डेफिनेशन बता रही हूँ बेटा, बिकॉज सीरीज की डेफिनेशन भी आती है. तो जितना आप प्रैक्टिकल से पहले थियरी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन आई गिव यू, बाकी का जो रेस्ट है विल डू इट लेटर ऑन. तो अभी इसको नोट करो, वॉट इज सीरीज. Done? Yes. Yes, ma'am. Okay, Karan. Sunita, have you noted it, beta? Yes, ma'am. Done. Bachcho, you have to see all the recorded lectures we have, right? Old previous lectures, live lectures, hain, they are already recorded. You can see all the lectures first. You will get it from A1 app. You have to inform in the institute and they will give you password and you can check the lectures over there, right? Both Karan, Sunita and sorry, Mayank also. Okay, next is series. How many type of series we have? Yes, can you tell me how many type of series we have? Karan and Sunita, ki hai maths mein series? Three type ki series hoti hai, first hai individual series. Aap jo series mein aaj dikhwa rahi ho beta, ye puri statistics mein help karegi, not in plus one, even your graduation level. Jab tum log इकोनॉमिक्स लोगे, मींस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट बीए करोगे, बीकॉम करोगे, तो वहां बिजनेस एप्टीट्यूड करके सब्जेक्ट पड़ता है जिसमें ये स्टैटिस्टिक्स दोबारा आएगी. तो अगर यहाँ पे बेस अच्छा होगा तभी तुम कॉलेज में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. सो डोंट टेक इट लाइटली, बहुत डिटेल में मैं तुम्हें सीरीज एंड ऑल सब समझा रही हूँ सो दैट तुम्हें याद रहे और आगे भी तुम्हें हेल्प करे. इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज डिस्क्रीट सीरीज and third is continuous series. ठीक है, इसे नोट करो. मयंक, कॉन्टिन्यूस सीरीज में बेस क्वेश्चन करवा रही हूँ बच्चे. फर्स्ट राइट द फॉर्मूला फॉर मीडियन, इट इज एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. ठीक है, क्वेश्चन है देखो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. छोटा क्वेश्चन लेके करा रही ताकि तुम समझ आ जाए. मयंक, इस क्वेश्चन में भी, इस मेथड में भी क्या करते हैं, सबसे पहले सीएफ कैलकुलेट करते हैं. तो सीएफ कैलकुलेट की 5, 13 and 18, राइट? अब बेटा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से n by 2 से. n क्या होगा? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है? 18. तो हमने n by 2 किया, 18 by 2. इट मींस इट इज योर 9th टर्म. अब मैम फिर से वही काम करना है, हमने 9th टर्म कहाँ लाई करेगी? 5 और 13 के बीच में, 13 पे. 13 के करस्पॉन्डिंग देखो वैल्यूज कैसे निकालनी है. 13 ये क्लास इंटरवेल है, एल मतलब लोअर लिमिट, तो इसका लोअर लिमिट क्या है? 10. एन बाय टू वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज 9. जो सी एफ होता है, जो भी तुम्हारा कंसर्न इंटरवेल आता है उससे एक ऊपर वाला सी एफ लेते हैं. एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का टोटल नहीं है ये, बच्चे यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, टोटल नहीं है, इट इज ओनली द करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी. तो ये रही तुम्हारा सी एफ, ये रही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी,
हाई मतलब इंटरवल का गैप, इन दोनों के बीच का गैप, जो भी इंटरवल होता है उसका गैप, तो ये गैप कितने आई 10। मैम बताओ समझ आ गया? राइट इट मैम, राइट इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? मैम ओके, नाउ इवैल्यूएट द वैल्यूज हियर बच्चे। लोअर लिमिट थी 10, n by 2 इज 9, cf एक ऊपर वाला 5, फ्रीक्वेंसी सामने वाली 8, i आ गया 10। ठीक है मैम, नोट करो इसे, आई एम शोइंग यू एन असाइनमेंट। मैम एक तो फर्स्ट पेज पे एक ही सेवेंथ क्वेश्चन करना है, इसका स्क्रीनशॉट है ना ऑलरेडी, सेवेंथ क्वेश्चन करना है एंड देन मैम टेक द स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 8 and 9। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? मैम स्क्रीनशॉट टेकन बेटा? ओके ये सुनीता एंड करण नाउ। अच्छा बच्चा तुम लोगों का हो गया रेस्ट? हाँ के यस मैम, एक बार कंफर्म कर दो। यस मैम यस मैम इंडिविजुअल सीरीज में ही परसेंटाइल और द साइज बता रही हूं आप लोगों को। मैम द आंसर ऑफ Q1 इज कमिंग 2.75 165 एंड Q3 इज कमिंग 194। हां तो Q3 ऑलवेज ज्यादा आएगा ना, हार्दिक चेक करना यही है आंसर? यस मैम। नेक्स्ट इज डिसाइल्स। डिसाइल्स मींस डेका। डेका कितने के बराबर होता है बच्चों? 1 डेका इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, नहीं पता? बट यू आर 10। हां आई आस्क यू डेका कितने के बराबर होता है? 10। तो डिसाइल क्या है? ये पूरे डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है बच्चों, 10 पार्ट्स को डिवाइड करता है। सो D1 to D10 हम लोग टोटल D9 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। D10 हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं बिकॉज दिस इज द लास्ट पोर्शन, तो हम लोग D9 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में D1 का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 बाय डेका मींस 10, तो पूरी टर्म 10 से डिवाइड हो जाएगी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अगर तुम्हें क्वेश्चन में आ रहा है फाइंड करो D5, तो पूरे फॉर्मूला को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इफ दे आर सेइंग फाइंड D9, तो D9 के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। See, it's clear? Yes, ma'am. ठीक है, अब तुमने क्या करना है बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज में डेकर्स कैलकुलेट करने हैं।
जितने तीन क्वेश्चंस थे ना आप लोगों के पास, तीन क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तीनों क्वेश्चंस में तुमने लिखो क्या क्या कैलकुलेट करना है, डी टू डी फाइव और डी एट कैलकुलेट करना है। कर लोगे कि करके दिखाऊंगी कैसे कैलकुलेट करना है? अगम अगम एंड विनीत मैम एक कर दो, मैम एक बार कर दो, देखो इधर जैसे हमारा वही वाला क्वेश्चन था। चलो मैं असेंडिंग ऑर्डर की भी टर्म ले रही हूँ, ठीक है। अब बच्चे हमने D1 निकालना है, तो n plus 1 by 10 in term 1, 2, 3, 4, 5 5 plus 1 कितना आया ये 0.6 term, ठीक है बेटा। अब इसकी एक्सपेंशन जीरो मतलब नथिंग, तो ये जीरो ही आ गया, 0.6 से आया 6 by 10 जीरो से एक ज्यादा फर्स्ट टर्म माइनस जीरो टर्म, तो वो जीरो आ गया, तो जीरो प्लस 6 by 10 फर्स्ट टर्म इज 20 तो आंसर इज 12। देखो बच्चों क्लियर है? यस मैम, यस मैम। बस इन द सेम वे यू कैन फाइंड डी 9 डी 8 डी 7 डी 3 डी 4 व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब मैंने तुम्हें क्या क्या निकालने को बोला है तीन क्वेश्चंस में, डी 2 क्या क्या बोला था बच्चों, नोट किया था किसी ने? मैम डी 2 डी 5 एंड डी 8 डी टू डी फाइव एंड डी एट तीनों क्वेश्चन में कैलकुलेट करो जल्दी से। करण एंड सुनीता बेटा देखो इंडिविजुअल सीरीज, करण इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल? Individual means like something. हाँ बोलो. Refers to only one thing. Individual means single. Yes, I'm single. है ना, मतलब एक अकेला और कोई नहीं होता। तो बच्चे यहाँ पे ये सीरीज की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इस सीरीज में जब तुम्हें क्वेश्चंस आएंगे ना तुम्हें मेंशन नहीं होगा कि इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्युअस सीरीज है, सॉल्व करो, वो सिर्फ मेथड लिखेंगे, सीरीज का नाम नहीं लिखेंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि द गिवन क्वेश्चन इज ऑफ विच सीरीज, राइट? सो इंडिविजुअल सीरीज में ओनली सिंगल डेटा इज प्रेजेंट, सिंगल डेटा इज प्रेजेंट and the main identification is it has no frequency, इसमें frequency नहीं होती, and the last is every unit has its own measurement, ठीक है बच्चों। तो ये तीन फीचर्स हैं इंडिविजुअल सीरीज के, सिंगल डाटा होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये मेन है इसका पॉइंट, और हर यूनिट का अपना खुद का एक सेपरेट मेजरमेंट होता है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो जिस सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती उसे हम लोग अनग्रुप सीरीज भी बोलते हैं, अनग्रुप सीरीज। Why? Because it has no frequency. Note करो बेटा इसे। मैम डन। ओके सुनीता डन बेटा? यस मैम। अब बच्चों मीडियन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं फॉर्मूला, आई होप तुम लोगों ने 10th क्लास में भी किया होगा, बट मैं एक बार डिटेल में दोबारा जरूर बताऊंगी। मीडियन इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, इन केस ऑफ
of individual series, how can we calculate median? We have two cases. Case one, when n is odd. Case two, when n is even. In case of odd, when n is odd, ये जब आपका n क्या होगा odd, तो median का formula होता है n plus 1 by 2nth term. ठीक है? And when it is even, then your median formula is n by 2nth term plus n by 2 plus 1nth term by whole 2. बच्चों formula note करो. मैम डन ओके. हाँ बच्चों, दोनों केसेस में मतलब व्हेनेवर देयर इज इंडिविजुअल सीरीज, मीडियन है तो हमेशा याद रखना फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सो स्टेप वन इज व्हाट, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर तुम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे यू विल गेट द रॉन्ग आंसर. हाउ? सी हियर, सी दिस इज 20 10 30, 50, and then 5. Now the middle term is 30. और middle term क्या है 30. But जब तुम इसे arrange करोगे, तो same term ये भी तो आ जाएगी. Sometimes different होते हैं ना terms. 30. Sometimes क्या होता है terms different होती है. मैंने एक assumption ली थी question की, तो इसलिए यहाँ पे हाँ बोलो. ओ सॉरी, फाइव आएगा. हाँ नाउ इट इज 20. तो देखो आंसर सेम अलग अलग आ रहा है ना. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट, राइट. अब देखो सेम क्वेश्चन था. केस वन करते हैं. ये अरेंज है डाटा, ये इंडिविजुअल सीरीज है. क्यों इंडिविजुअल सीरीज? क्योंकि सिंगल डाटा है, सिंगल डाटा है और यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हो गया. एन कितने हैं? 1 2 3 4 5. सो 5 इज एन ऑड नंबर. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्टली आंसर नहीं दोगे. एन प्लस 1 बाय 2 एट टर्म. So 5 plus 1 by 2 एट टर्म. ये बच्चे ये लगाना भूल जाते हैं इसलिए आंसर कई बार गलत हो जाता है. 6 by 2. अब ये क्या है, मैंने अगर इसको लिख दिया खाली 3 तो हम मान लेंगे जी मीडियन कितना है 3, बट इट इज थर्ड टर्म. सो व्हाट इज माय थर्ड टर्म? 1 2 3. 20 इज माय मीडियन. देखो बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. Both of you, Karan. Karan, clear about the question? Yes, ma'am. Okay. Now, next. Kar liya note, bachcho? Yes, ma'am. Ab isi question mein hum log even wala formula apply karte hain. Dekho, ye n by 2 line sirf iske niche hai. Odd wale mein pure ke niche hote hain. To ise complete mat kar dena. यहां पे मैं एक टर्म और एक्स्ट्रा ले रही हूं 200. नाउ माय एन इज 6. 6 इज एन इवन नंबर सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. एन इज 6, 6 बाय 2 एट टर्म प्लस 6 बाय 2 प्लस 1 एट टर्म बाय होल 2. सो इट इज थर्ड टर्म, राइट हियर थर्ड टर्म. इट इज फोर्थ टर्म by 2. ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं. 3 और 4 लिखेंगे, 3 plus 4 7 और वो 3.5 हो जाएगा, which is wrong. थर्ड टर्म की वैल्यू डालेंगे
20 and fourth term is third term was 20 yeah and the fourth term is 30 so it is 50 by 2 25 is your median clear with your question yes sir Now, Karan and Sunita, your homework is take the screenshot of the page, the screen which I have shared. Do question number 1, 2, 3. Mayank. Vineet bhi nahi hai. Vineet and Mayank, dono ka network issue. Lilia, which your screenshot? Yes, ma'am. ठीक है तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एज अ होमवर्क ट्राई करना है प्लीज हो सके तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स चेक करो ताकि तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो बिकॉज आई हैव टू कीप यू वेटिंग यस कौन सा क्वेश्चन करना है बेटा 1, 2, 3 ओके मैम ठीक है 1, 2, 3 करना आप लोगों ने now Mayank is not in the class. He has some network issue. Okay. हाँ बच्चों हो गया तुम लोगों का? Yes, ma'am. Discretes आगे वो percentiles बता दो इसपे. Yes, ma'am. बच्चों देखो परसेंटाइल परसेंटाइल परसेंट का मतलब कितना होता है परसेंट बोर्ड इज ब्लर यस मैम जदा गम हार्दिक करण हु इज नॉट हियर अरे विनीत नहीं है क्लास में इसका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा रहता है नाउ व्हाट टू डू चलो लेक्चर देख लेगा बोर्ड इज कमिंग आउट टू बी ब्लर यस मैम Yes, ma'am. So it's clear now? Yes, ma'am. Yes, okay. ma'am. It's clear. I think Vineet has entered the class. Huh? Vineet, board dikh raha hai beta? Vineet? Yes, ma'am. Okay. विनीत मैं परसेंटाइल्स में आ रही हूँ बच्चे परसेंट मींस 100 सो पी 1 से लेके पी 100 तक यू कैन कैलकुलेट राइट अब पी 1 का फॉर्मूला क्या होगा एन प्लस 1 बाय 100 ठीक है देखो मीडियन क्या करता था पूरे डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करता था इसलिए हम उसे 2 से डिवाइड करते थे क्वार्टाइल्स 4 में करते हैं 4 से डिवाइड किया डिसाइल्स 10 में करते हैं 10 में किया परसेंटाइल 100 में करते हैं तो 100 से डिवाइड किया नाउ इन द सेम वे कुछ भी निकाल सकते हो बिटवीन P1 एंड P100 दे विल आस्क फॉर P29 देन 29 समझ आया फॉर्मूला किसी का भी निकाल सकते हो P70 P71 99 89 बस यहाँ मल्टीप्लाई करते चलना सिर्फ फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट आंसर निकल के मत मल्टीप्लाई करना क्लियर है बच्चों यहाँ तक यस मैम आपको कोई क्वेश्चन बता रही हूँ P1 निकालते हैं एन कितना है 5 प्लस 1 6 तो कितना आ गया 0.06 तो
क्लियर है बच्चों? आप 0.06 को एक्सपेंड कैसे करोगे? फर्स्ट टर्म आ गई 0, 6/100 इससे ज्यादा फर्स्ट टर्म माइनस 0th टर्म, सो 6/100 इनटू 70 4.2 इज द आंसर. देखो क्लियर है? यस मैम. यस मैम. अब उस क्वेश्चन में परसेंटाइज निकालने के लिए भी थे ना आई थिंक. यस मैम. तो जितने परसेंटाइज थे वो इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेट करना. ठीक है बच्चों, अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. बाय, टेक केयर. थैंक यू मैम. थैंक यू. ओके, बाय बाय.